नमस्कार दोस्तों। सचमुच दोस्तों, प्रधानमंत्री की कुर्सी में कुछ तो नशा है गालिब। प्रधानमंत्री की कुर्सी में कुछ तो नशा है गालिब, वरना 2014 से पहले जुगाएं कतलखानों में कटती थी। वरना 2014 से पहले जुगाएं कतलखानों में कटती थी, उनको थैली खा के ना मरना पड़ता। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 से जो पहले गायें थी उनका शायद कुछ खाने में परिवर्तन आ गया है। उन्होंने अपनी आदतें बदल ली हैं या इंसानों ने अपनी आदतें बदल ली हैं। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो कुछ बदलाव आया है। मैं चाहता हूं कि आप अगले दो वीडियोस देखें, एक 2014 से पहले का है और एक 2016 का है। और जिस व्यक्ति ने अपनी बात रखी है उनकी बात पे विश्वास पक्का करना, और प्लीज थोड़ा सोचना भी। और अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे भी किसी भी चौराहे पर टांग देना उल्टा। दोस्तों, मेरा दिल चीख चीख के कह रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों चुप बैठे हैं जी, मुझे विश्वास नहीं होता जी। तो कृपया दो वीडियो देखिए और खुद ही सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे, और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर वन है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है भाइयों बहनों? आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप है, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। है तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। मैं जब गुजरात में था तो मैं कैटल हेल्थ कैंप लगाता था, पशुओं के हेल्थ कैंप लगाता था, बड़े बड़े कैंप लगाता था, और उसमें मैं ऐसी गायों के बीमारी को उनके ऑपरेशन करवाता था। एक बार मैं एक इस कार्यक्रम में गया, एक गाय उसके पेट में से दो बाल्टी से भी ज्यादा प्लास्टिक निकाला, पेट में से काट करके। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। मोदी जी, अगर 1% ये मान भी लिया जाए कि गाय थैली खाकर ही मरती है, जिसको मेरे लिए पचा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, आपने कहा है तो फिर आपकी बात को टाला भी नहीं जा सकता क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कृपया इस पर्यावरण के लिए जो भयावह चीज है, जिसको आपने थैली के रूप में कहा और हम भी यही मानते हैं, कृपया इस थैली के ऊपर भी बैन लगवा दीजिए। इसके लिए तो मेरे ख्याल से किसी राज्यसभा या लोकसभा में मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों ने आपकी ताकत तो देख ही ली है। 8 नवंबर 2016 का जो ऐतिहासिक निर्णय था उसने बता दिया कि प्रधानमंत्री की पावर क्या होती है, जो उससे पहले हमें पिछले 10 सालों में नजर नहीं आई। और मैं चाहता हूं कि आप इसी गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें आप जो आपके सरकारी अधिकारी हैं उनको आदेश देते हैं कि भाई क्या क्या करना है, कृपया इसी गैजेट ऑफ इंडिया में एक थैली के बैन की भी सूचना डाल दीजिए, ताकि 5-10 दिनों के अंदर ही जितने भी थैली बनाने वाले लोग हैं
उनको आदेश मिल जाए कि भाई आगे से आप लोग थैली कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि थैली से गायें मर रही हैं, थैली से पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, ये आपको भी पता है। बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप मेरे पिता की उम्र के हैं, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन ये बात मेरे दिल से निकली है। मेरे दिल को सही में उस दिन बहुत आग लगी थी जिस दिन मुझे ये पता लगा कि गायें थैली खाकर मरती है, कत्ल खानों में उसे कोई नहीं लेके जाता।